अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों, आई एम योर मैथ्स टीचर शुभांगी मुश्ताक। और आज हमारा जो टॉपिक है अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल हम पढ़ रहे हैं, उसमें क्वेश्चन नंबर 6 हम करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या करना है कि फाइंड द एंगल मेजर एक्स इन द फॉलोइंग फिगर्स। हमारे पास इस क्वेश्चन में चार फिगर्स दे रखी हैं, जैसे फिगर ए और फिगर बी, फिर सी और डी। हम इस फिगर के अंदर हमने क्या करना है, वी आर सपोज टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक, तो जैसे मैंने अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्वाड्रिलेटरल में आपको बताया है कि एक क्वाड्रिलेटरल जो होती है सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल फोर साइडेड फिगर होती है, अगर फाइव साइडेड होगी उसके लिए हम दूसरा एक साइड उसमें ऐड हो जाती है, तो उसको नंबर ऑफ साइड के हिसाब से हम फाइंड करते। पहले हम देखते हैं सम ऑफ ऑल एंगल्स। तो सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल वी नो इज 360, हर वक्त ऑलवेज 360। जैसे ट्रायंगल की सम ऑफ एंगल्स 180 होती है, इसी तरह हमारे क्वाड्रिलेटरल जो होती है, क्वाड्रिलेटरल मीन्स फोर साइडेड फिगर जो होती है, उसकी जो सम ऑफ एंगल्स होती है यानी सारी एंगलें जो उसकी होती हैं वो 360 के बराबर होती हैं। तो अब हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट ए है, इसमें हमें बोला गया है कि हमें वैल्यू निकालनी है एक्स की, क्योंकि ये क्वाड्रिलेटरल है, इसमें एंगल ए 130, एंगल बी 120, एंगल डी 50 और एंगल सी इज एक्स। सो हेयर वी डोंट नो द वैल्यू एग्जैक्ट एंगल, तो उसके लिए उसने एक्स निकाला, एक्स दे रखा है, तो हमें एक्स का वैल्यू निकालना है। द वे जब जैसे हम वेरिएबल्स में पीछे लीनियर इक्वेशन में सीख के आए हैं, तो सीधी सी बात है, सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, वी शुड बी अवेयर अबाउट द सम ऑफ ऑल एंगल्स। तो सम ऑफ ऑल एंगल्स जब निकालते हैं उसके लिए हमारा n माइनस टू एन टू 180 होता है, यानी n रिप्रेजेंट नंबर ऑफ साइड कितनी होती है किसी भी फिगर में। जैसे इस फिगर के अंदर इट हैज फोर साइड, तो तभी n के इन प्लेस ऑफ n मैंने क्या लिखा है 4 माइनस टू, ये फार्मूला है इसका, और n टू 180। ठीक, अब क्या करेंगे, जब 4 से 2 जाएगा वहां पे 2 रह जाएगा, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 180 से, द आंसर विल बी 360, आंसर विल बी 360। तो दिस वे वी फाइंड कि हमारा सम ऑफ एंगल्स जो है इस फिगर का वो क्या है, दैट इज 360। अब जब हमें 360 इसकी टोटल निकल गई सम ऑफ ऑल एंगल्स की, अब हम देखेंगे हमारे पास गिवन कितनी एंगल हैं। हमारे पास गिवन सिर्फ 3 एंगल हैं, ठीक है, उसमें एंगल ए प्लस एंगल बी एंगल सी एंगल डी। आपने भी ऐसे ही करना है, जैसे भी कोई फिगर आएगी वहां पे आपने एंगल 1 को प्लस एंगल 2 एंगल 3 एंगल 4 एंगल 5 एंगल 6 जितनी साइड्स होंगी उतनी एंगलें भी होती हैं, वी नो दीज थिंग्स। तो 130 प्लस 1 एंगल ए इज 130, एंगल बी इज 120 एंड एंगल सी इज एक्स, एंगल डी इज 50, इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल एंगल्स 360। तो अब हमें इनको जब ऐड करते हैं तो दैट इक्वल्स टू 300 प्लस एक्स इज इक्वल टू 360 सम ऑफ ऑल एंगल्स। अब यहां पे हमारे पास एक वेरिएबल, दो कॉन्स्टेंट आ जाते हैं, हम वेरिएबल को अलग लेते हैं और कॉन्स्टेंट को अलग लेते हैं, विच वी नाउ। तो जब इसे हमने ट्रांसपोज करा, इधर इज इक्वल टू क्रॉस करा, तो साइन चेंज हो गया, प्लस इधर माइनस में आ गया। ठीक, तो यहां 360 से 300 गया, तो आंसर हमारा क्या आ गया, आंसर हमारा जो है दैट इज 60 डिग्री। ठीक है, तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट बी, इसमें भी यही है, इसमें हम सबसे पहले इनका नाम रख देते हैं एंगल ए बी सी और डी। तो इसमें भी हमें सेम वे यही करना है, ठीक, यानी इसमें हम करेंगे एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी, फोर साइडेड है, और सम ऑफ ऑल एंगल्स हमें पता है कि हर वक्त हमें किसके बराबर लेनी है 360 की। ठीक है, यानी इधर भी हम कर सकते हैं n माइनस टू इंटू 180, ठीक है, दैट विल बी 4 माइनस टू इंटू 180, तो आंसर विल बी 2 इंटू 180, दैट इक्वल्स टू 360, दैट इक्वल्स टू 360। तो ये सम ऑफ एंगल्स का हमें इस तरह मालूम पड़ जाता है, दिस वे हम इसको फाइंड करते हैं। अब हमारे पास एंगल ए जो है, सबसे पहले वो यहां पे एक्सटीरियर एंगल दे रखी है, तो ये एंगल जो है ये किसके ऊपर है, एक ही स्ट्रेट लाइन पे बनती है ना, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स भी कहते हैं, यानी बाहर की एंगल हमारी 90 है, अंदर की भी क्या हो जाएगी 90, सो एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्री प्लस, एंगल को आप छोड़ दें, 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री प्लस 70 डिग्री प्लस ये हमारा x डिग्री इज इक्वल टू 360। अब हम इनको
ऐड करते हैं, क्या करते हैं अब हम इनको ऐड करते हैं। जब हम इनको ऐड करेंगे तो इट विल बिकम यानी 90 में अब ये डाल देंगे तो 150 हो जाएगा, 60 डाल दिया तो 150, और 150 में क्या डाल देंगे 50 और 200, 200 में 20 डाला तो 220 बन जाता प्लस एक्स डिग्री इज इक्वल टू 360। ठीक, अब यहाँ पे एक हमारा वेरिएबल, दो कॉन्स्टेंट वेरिएबल को अलग लेते हैं तो 360 ये इधर प्लस इधर आके माइनस 220, तो अब यहाँ पे बचा हमारा 0 से 0 4 1, तो इस तरह हमारा x का वैल्यू जो निकल गया वो निकल गया हमारा 140। क्या निकल गया? वो हमारा 140 निकल गया। ठीक, इसी तरह अगर आपको इसमें एक और क्वेश्चन है पार्ट सी को हम पहले कर लेते हैं। पार्ट सी बिल्कुल ही आसान है, पार्ट सी जो है इसको हम इस तरह देखते हैं। पार्ट सी में इस तरह की फिगर बनी है, ठीक, लेकिन इट इज ए रेगुलर पॉलीगन। मैंने आपको रेगुलर पॉलीगन्स समझाए हैं। रेगुलर पॉलीगन वो होती है विच हैज ऑल इक्वल साइड, जिसकी सारी साइड इक्वल होती हैं, जैसे ये साइड, तभी इसमें मैंने ये थोड़ी थोड़ी सी लाइन कट करके रखी है, तो ये सारी इक्वल साइड है और यहां पे इसने सिर्फ एक एंगल दे रखी है दैट इज एक्स। तो हमें क्या करना है, हमें बाकी एंगलें निकालनी। जब साइडें बराबर होती हैं तो जो एंगलें होती हैं वो भी बराबर होती, क्या होती हैं वो भी एंगल्स भी हमारी बराबर होती हैं। तो अब यहाँ पे हमारी एक्स है, तो पहले हम देखेंगे इसमें कि सॉल्यूशन में हमें पहले ये देखना पड़ेगा कि इसमें इसका सम ऑफ एंगल्स किससे बराबर है। तो सम ऑफ एंगल्स को बराबर देखने के लिए हम क्या करेंगे, सम ऑफ ऑल एंगल्स वो होता है बराबर एन माइनस टू इंटू 180। ठीक है, अब n हमारा कितने है, 1 2 3 4 5, सो n इज इक्वल टू 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 180। यहाँ पे बचा हमारा 3 इंटू 180 इज इक्वल टू 540। सो सम ऑफ इस जो पेंटागन हमारी बनती है, रेगुलर पेंटागन बनती है, इसकी जो सम ऑफ ऑल एंगल्स हैं दैट इक्वल टू 540। यहाँ पे था 360, लेकिन यहाँ पे एक साइड होगी है इसमें एड, वहां चार साइडें थी, यहां पांच साइडें हैं। ठीक है, तो अब इसमें हम इसका नाम रख देते हैं ए बी सी डी और ई। तो इसमें भी हम इसी तरह करेंगे, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी प्लस एंगल ई इज इक्वल टू 540। तो अब 540 बनता है हमारा यहाँ पे। तो अब यहाँ पे हम सीधी सी बात है, एंगल ए इज इक्वल टू एक्स, जब ये एक्स है ये भी एक्स होगी, प्लस एक्स डिग्री, क्योंकि सारी एंगलें एक्स ही, कोई एंगल दे नहीं रखी। ठीक है, इज इक्वल टू 554। तो इस तरह इनको जब ऐड करेंगे तो इट विल बिकम 5x इज इक्वल टू 540 डिग्री। तो एक्स को आप इधर ले लेंगे तो यहाँ पे ये मल्टीपल इधर आके डिवाइड में चला जाएगा। ठीक, सो वैल्यू ऑफ एक्स क्या बन जाएगा हमारा, 5108 डिग्री। ठीक है, तो इस तरह हमने ये देखा कि यहाँ पे हमारा एक्स जो है वो 180 है, फिर बाकी यहाँ पे भी 180 आएगा, यहाँ 108 आएगा, यहाँ पे भी, और सबको जब एडअप करेंगे तो टोटल सम ऑफ जो होगा दैट विल इक्वल टू 540। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन 6 का पार्ट ए बी और सी हमारा सॉल्व हो जाता है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, आप वीडियो को पॉज करके बार बार देख के बात को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।